कैसे करें ऑन ऑफ या डिसेबल ऑनेबल पॉपअप्स को क्रोम ब्राउजर में। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने क्रोम ब्राउजर को कैसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं पॉपअप्स को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ऑन करना होगा, तो मैं अपना क्रोम ब्राउजर ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिख रही होंगी, आपको उस पर क्लिक करना होगा। ये थ्री डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेन्यू खुल चुका है और यहाँ पर आ रखा है सेटिंग्स, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। ये मेरी सेटिंग्स खुल चुकी है और यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर सेटिंग्स आ चुकी है, तो यहाँ पर यू एंड गूगल ऑटोफिल, तो मेरे को जाना होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो मुझे जाना होगा साइट सेटिंग्स में। साइट सेटिंग्स पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पॉपअप्स भी लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँगा साइट सेटिंग्स में। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आया है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा ऑफ है, ये इस टाइम मेरा ऑफ है, ठीक है, डोंट अलाउ, ये मेरा ऑन हो चुका है इस टाइम। अब ये ऑन हो चुका है, अब ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो आपको ऑन करना है, ऑफ करना है, आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट को भी आप यहाँ पर एक ऐड कर सकते हो पॉपअप्स के लिए। आप यहाँ पर जो नॉट अलाउड ऊपर है, अलाउड नीचे है, अगर आप अलाउ करना चाहते हो नीचे वाली साइट्स पे जाना है, और नॉट अलाउ करना चाहते हो तो ऊपर वाले भी एक साइट को भी आप ऐड कर सकते हो। सो इतना ही था मेरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।